हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं आया हूँ यहाँ पे फाइव सेंस गार्डन में, दिल्ली के फाइव सेंस गार्डन में। तो आज हम आपको अंदर का पूरा व्यू दिखाएंगे एंड आई होप दोस्तों आपको ये ब्लॉग काफी अच्छा लगेगा। दिल्ली फाइव सेंस, यह है इसका एंट्रेंस गेट, आप देख सकते हैं इसके अंदर अब चलेंगे। गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस दिल्ली शहर में सईद उल अजायब में स्थित है, जो अपने आकर्षण से हर किसी को आनंदित करता है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन साकेत है, जो कि येलो लाइन पर स्थित है। यहाँ पर टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स की पार्किंग भी अवेलेबल है, जो कि पेड है। चार्जेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेंशन है। टाइमिंग्स की अगर बात करें, आप देख सकते हैं अप्रैल टू सितंबर 9 AM to 7 PM, अक्टूबर टू मार्च 9 AM to 6 PM। टिकट प्राइस की अगर हम बात करते हैं, अडल्ट की टिकट प्राइस है 35 रुपीज, चिल्ड्रन की टिकट प्राइस है 15 रुपीज, सीनियर सिटीजन की टिकट प्राइस है 15 रुपीज। यहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए अलग से चार्जेस हैं, जो कि स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस दिल्ली शहर में सईद उल अजायब में स्थित है, अपने आकर्षण से हर किसी को आनंदित करता है। बता दें कि यह पार्क दिल्ली पर्यटन का प्रमुख हिस्सा है, जो कि 20 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इस गार्डन का नाम गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस इसलिए रखा गया है क्योंकि यह किसी की भी पांचों इंद्रियों को सुखदायक अनुभव देता है। इस गार्डन का उद्घाटन 2003 में किया गया था और इसके बाद यह दिल्ली का लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। यह पार्क कई तरह के प्राकृतिक नजारों से भरा हुआ है। बता दें कि इस पार्क में 200 से भी ज्यादा आकर्षक एवं सुगंधित पौधों के बीच 25 से ज्यादा मृतिका एवं शैल शिल्प निर्मित हैं। रूप, रंग, गंध, ध्वनि और स्वाद की तृप्ति के लिए बनाया गया यह पार्क एक बहुत ही शांत जगह है, जो कपल्स के बीच काफी लोकप्रिय है। अगर आप गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस के बारे में और जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखिएगा। मैं ब्रजेश जायसवाल, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त, आज गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस को एक्सप्लोर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। गाइस, स्टार्टिंग में हमें खास बाग देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों काफी सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, आप देख सकते हैं। वाओ, अमेजिंग गाइस, ये व्यू तो मुझे सच्ची में काफी अच्छा लगा खास बाग का। इसी को ही एक्सप्लोर करते हुए अब हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ एंड गाइस ये जो सीन है, ये व्यू पॉइंट है गाइस, लाजवाब है। एंड हम थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पे। वाओ गाइस, यहाँ पे ट्रीज भी ना काफी अच्छे हैं, इनकी कटिंग भी काफी अच्छे तरीके से की गई है। एंड मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आया हूँ एंड वाकई में गाइस स्टार्टिंग में जो ब्यूटी थी बहुत ही शानदार थी। अभी देखते हैं अभी हमें आगे क्या देखने को मिलता है। एंड गाइस मेरी नजर यहाँ पे पड़ी है एक ट्री पे, जो कि एक उल्टा पेड़ भी हम कह सकते हैं, जिसकी जो रूट्स हैं गाइस वो है अपर साइड पे एंड दोस्तों जो मेन पार्ट है लीव्स वगैरह वो है डाउन साइड में। एंड यहाँ पे भी एक फाउंटेन की तरह ये बनाया गया है गाइस, एंड इसका फाउंटेन अभी बंद है। अगर ये गाइस ऑन होता तो काफी अच्छा यहाँ पे हमें व्यू पॉइंट देखने को मिलता, लेकिन फिर भी गाइस ये आर्टिफिशियल ट्री है, लेकिन काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। हेलो गाइस, आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे एक ट्री है जो कि डाउन साइड है, मीन एक आर्टिफिशियल ट्री है, जिसकी रूट्स है अपर साइड और पेड़ का जो मेन हिस्सा है वो नीचे साइड है। दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये आप देख सकते हैं। और मुझे तो दोस्तों ये काफी अच्छा लगा है। थोड़ा सा गाइस हम आगे चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे काफी सारे एलिफेंट। गाइस ये मेरे बैक साइड का व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे एलिफेंट्स हैं एंड यहाँ पे फाउंटेन भी है। ये वाला व्यू आप चेक कर सकते हैं, वैसे तो काफी अच्छा व्यू है। अगर यहाँ पे फाउंटेन वगैरह स्टार्ट होते तो और भी अच्छा लगता। सो गाइस मजा आ गया देखते ही। एंड यहाँ पे काफी जगह हिडन थिंग्स थी,
हिडन पॉइंट्स थे, मैंने काफी कोशिश किया है यहाँ पे कैप्चर करने का, एक एक व्यू आपके सामने प्रेजेंट करने का, क्योंकि इसको एक्सप्लोर करना भी इजी नहीं था मेरे लिए। एंड मैंने कोशिश करा है जितना मुझसे हो सके उतना मैं आपके लिए इस गार्डन को आपके सामने एक्सप्लोर करके प्रेजेंट कर सकूं। यहाँ पे गाइस एक डॉगी है जो कि लेटा हुआ है बेचारा, एंड ये वाला व्यू देख सकते हैं, ये भी काफी अच्छा व्यू था। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? दोस्तों मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त ब्रजेश जायसवाल, आज आया हूं दोस्तों मैं फाइव सेंस में घूमने के लिए और ब्लॉगिंग बनाने के लिए। दोस्तों यहां पे मैं अकेला ही आया था ब्लॉग शूट करने के लिए। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा पार्क है, यहाँ पे कपल्स का भी पार्क है, साथ में फैमिली मेम्बर्स वगैरह भी आते हैं। तो चलिए दोस्तों आज आपको फाइव सेंस दिल्ली पार्क का व्यूज़ आपको आज दिखाया जाए और यहाँ के बारे में आपको आज बताया जाए। हेलो गाइस, पीछे सेल्फी वगैरह शूट का है यहाँ पे और ये आप देख सकते हैं। चार्जेस का भी पूछते हैं आपके सामने। गाइज यहाँ पे सेल्फी बूथ का पॉइंट है जहाँ पे 3D सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे 50 rupees कॉस्ट है एंड इन्होंने अभी म्यूजिक चला रखा है। तो आई होप आपको यहाँ का व्यू वगैरह दिख रहा हो और कुछ समझ में आ रहा हो। हेलो गाइज, आप देख सकते हैं बैक साइड का व्यू, ये फाइव सेंस का है। और मेरे पीछे का व्यू भी देख सकते हैं, अभी हम बैक साइड में चलेंगे। गाइस अब इधर का हम आपको व्यू दिखा देते हैं। गाइस बैक साइड का मेरा व्यू देख सकते हो, यहाँ पे काफी सारी मूर्तियां हैं वगैरह हैं, तो इनको मैं अभी आपको क्लोजअप से दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे भी देखते हैं अभी क्या क्या देखने को मिलता है। गाइस ये फाइव सेंस का व्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मूर्तियां हैं। तो बसंत दृश्य, हेमंत शीत, हेलो गाइस बैक साइड का आप व्यू देख सकते हैं, ये गार्डन फाइव सेंस दिल्ली का व्यू है।
यहाँ का भी मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ, ये मुझे काफी अच्छा लगा ये वाला व्यू बैक साइड का। तो गाइस संडे है आज, आज मेरा वीक ऑफ है। अगेन मैं वीक ऑफ में व्लॉग बनाने, व्लॉग शूट करने के लिए निकला हूँ। एंड ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा आपको क्लोज अप व्यू यहाँ का दिखा देता हूँ। वहां पे गाइस, वहां का भी आपको एक बार व्यू दिखा देते हैं। वैसे मेरे को जगह और पार्क तो काफी अच्छा लगा। यहाँ पे मोस्टली कपल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे फैमिली मेंबर्स भी आते हैं एंड घूमने के लिए भी काफी अच्छी जगह है। बैक साइड का आप व्यू देख सकते हैं। बैक साइड पे कुछ लोग फ्री स्टाइल के यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी घूमने के लिए गाइस काफी अच्छी जगह है, अच्छा पार्क है, आप आ सकते हैं यहाँ पे। वैसे कपल्स के लिए काफी अच्छी जगह है, यहाँ पे काफी सारे कपल्स आपको देखने को मिलेंगे इस पार्क में, गार्डन में। फैमिली मेंबर्स तो गाइस मेरे को काफी कम मिले थे यहाँ पे। एंड यहाँ पे वीडियोग्राफी अगर आप प्रोफेशनल करते हैं तो उसके अलग से चार्जेस हैं। वैसे मोबाइल से आप शूट वगैरह कर सकते हैं, बट मैंने गार्ड से पूछा था यहाँ पे कपल्स का शूट करना, उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया था, तो इस वजह से मुझे आसपास देखकर ही वीडियो शूट करना पड़ रहा है। एंड गाइस आज का संडे काफी अच्छा रहा। थोड़ा सा और आपको व्यू दिखा देते हैं, अब कुछ टाइम के बाद मैं यहां से एग्जिट करूंगा। वैसे गार्डन तो काफी अच्छा है। एंड आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वाला व्यू आप देखिए, ये बैक साइड का व्यू। ये व्यू आप देख सकते हैं बैक साइड का। वैसे काफी अच्छा पार्क है ये, यहाँ पे आप आ सकते हैं कपल्स के लिए। दोस्तों मेरे को ये काफी अच्छी जगह लगी है, तो एक और व्यू मस्त वाला आपको दिखाता हूँ मैं। अभी मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड आप ये देख सकते हैं फ्लावर्स वगैरह, फिर बैक साइड आप देख सकते हैं।
ये एक छोटा सा फाउंटेन है जो बेचारा बंद है, इसे भी आप देख सकते हैं। एंड गाइस फाइनल व्यू, आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगेगी। संडे है गाइस एंड आज मैं अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए बाहर आया हूँ। हो सकता है मे बी मेरा वॉइस थोड़ा ऐसे ही है क्योंकि मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया। गाइज फाइनली मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ। बैक साइड में मैप वगैरह है, जब भी आप एंट्री करें तो मैप वगैरह ज़रूर देख सकते हैं, लोकेशन का आपको अच्छे से अंदर आइडिया हो जाएगा। एंड ये एग्जिट गेट है, यहाँ से गाइज मैं अब एग्जिट कर रहा हूँ। बाय बाय गाइज, वीडियो कैसी लगी कॉमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय। गाइस सो फाइनली मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ।